बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी राज्यसभा सांसद है सुशील मोदी जी। मोदी जी, एक अहम सवाल है। ऐसा लग रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार बीरबल की खिचड़ी हो गई हो, पक रहा था, पता नहीं कब पकेगा, आज जाकर के पका है। इसके लिए कौन जिम्मेदार इतनी देरी के? मैंने देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। आखिर जो मंत्री हैं, किन्हीं के जिम्मे, तीन विभाग चार विभाग तो काम तो कर ही रहे थे ना। तो सरकार चलती है, पाँच मंत्री होंगे सात मंत्री होंगे तो भी सरकार चलती है। लेकिन मुझे खुशी है कि ठीक विधानसभा सत्र के एक सप्ताह पूर्व मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया है और जो मंत्री बने, चाहे वो बीजेपी के हों या जेडीयू के हों, बहुत मैच्योर्ड, बहुत समझदार लोग हैं और उसमें से अनेक लोग हैं जिनको इसके पूर्व का भी अच्छा अनुभव है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी टीम नीतीश जी के साथ बनी है। पर सवाल ये उठता है, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि 2005 में, 2010 में, 2015 में या यहाँ तक कि 2017 में ऐसा नहीं हुआ था। मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में एक ही बार में सब कुछ हो गया था। इस बार ऐसा कहाँ था, मामला पेच कहाँ फंसा हुआ था? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ था। अब कुछ व्यस्तताओं के कारण कुछ विलंब हुआ होगा, लेकिन देखिए, बीजेपी जेडीयू में कभी भी मंत्रिपरिषद को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये जो मीडिया में छपता था कि संख्या को लेकर विवाद है, विभागों को लेकर विवाद है, तो ये कभी विवाद नहीं था। हाँ, कुछ समय लगा है, लोगों की व्यस्तता के कारण कुछ समय लगा होगा, लेकिन बहुत विलंब नहीं हुआ है। अभी तो 5 साल का कार्यकाल है और तो 2 ही महीना हुआ है, तो इसे, और मैं एक एक मंत्री को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, तो बहुत ही अच्छे लोग मंत्री बने हैं, दमदार लोग मंत्री बने हैं। आप जो कह रहे हैं कि अच्छे लोग दमदार हैं, उन पे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे अनुभवी लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। आखिर संख्या तो सीमित है ना। देखिए, अटल जी की सरकार थी जिन्होंने 15% की अधिसीमा निर्धारित कर दी, और आपको याद होगा लालू जी के जमाने में 100 मंत्री बना करते थे, जम्बो जेट कहा जाता, जम्बो जेट का शतक पूरा करते थे लोग, सेंचुरी पार करते थे। तब तो एक सीमा हो गई है, झारखंड में कितना बनेगा, बिहार में कितना बनेगा, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी छूट जाते हैं। तो इसलिए, और सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सामाजिक समीकरण का, क्षेत्र का, सारी चीज़ों का विचार करने का, तो मंत्रिपरिषद बनता है। बहुत ही संतुलित मंत्रिपरिषद बना है और बहुत ही बेहतर मंत्रिपरिषद। सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, एक ही जाति के चार चार विधायक जो है मंत्री बन गए हैं, किसी जाति के विधायक को मिला ही नहीं है इस बार, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ असंतोष का कारण? बिहार में सभा सो जातियाँ, अब सभी जाति के लोग तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी वर्गों को और इसमें प्रतिनिधित्व तो दिया गया है। अब फिर कुछ लोगों में जो नाराजगी होगी, हम लोग मिलकर बैठकर बातचीत कर उनको मना लेंगे। और मैंने कहा कि हर बार जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो कुछ लोग जो छूट जाते हैं उनकी नाराजगी रहती है। तो एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जो अनुभव वाले नेता थे उनको क्यों दरकिनार कर दिया गया? नंदकिशोर यादव नहीं बनाए गए, प्रेम कुमार नहीं बनाए गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, आप भी उनमें से हैं, आपको राज्यसभा भेज दिया गया, जबकि नीतीश जी ने कहा कि आपको मिस कर रहे हैं वो, तो ये आपको लग रहा है कि बीजेपी में कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं, देखिए, नए लोगों को बीजेपी मौका देना चाहती है। वैसे लोग जो 15 साल 20 साल काम कर चुके, हम लोगों ने इतनी लंबी पारी खेली है, 30 साल हो गया राजनीतिक जीवन को, तो नए लोग आए। और देखिए, राजनीति में सीखना कोई ऐसी चीज़, कोई भी व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो 2-4-6 महीने में सब सीख जाता। हम लोग जब बने थे तो सब कुछ कहाँ जानते थे, तो पद पर आने के बाद सब सीख जाता है। तो इसलिए कोई अनुभव और नए की बात नहीं है, इसमें पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। नीतीश जी बने हैं मंत्री तो ये पुराने हैं, सम्राट चौधरी बने, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, संजय झा बने हैं तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। नीतीश जी ने कहा कि वो आपको मिस करते हैं, क्या आप उनको मिस कर रहे हैं? देखिए, सही है कि आज का संबंध नहीं है, 40 साल का संबंध है, लेकिन मंत्रिपरिषद में नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहकर भी राज्यसभा में बिहार से जुड़े प्रश्नों को लगभग रोज उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो जो मिलकर काम करे थे बिहार के विकास के लिए, तब वो बिहार में, मैं दिल्ली में हूं, तो जहां रहेंगे मिलकर बिहार के विकास के लिए काम मिस कर रहे हैं कि नहीं बिहार? सही है, वो तो एक अलग विषय है, मिस करना, इतना लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि बिहार के विकास के लिए काम करना ये सबसे बड़ी बात है, और वो बिहार में रहकर, मैं दिल्ली में रहकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ये था कि जिस तरह से आप लोग साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते थे और आप लोगों के बीच में 1 घंटे में बात सलट जाया करता था, तो अगर आप इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते तो आज इतनी देरी नहीं होती? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, हम लोग के समय में भी समय लगता था। नहीं, मुझे तो नहीं याद है, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ऑल इंडिया पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी के अंदर निर्णय जो है, सारे निर्णय राज्य स्तर पर नहीं होते हैं, ये निर्णय केंद्र के स्तर पर बहुत सारे निर्णय होते हैं, तो इसलिए कई बार समय लगता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। केंद्र में आप मंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम।
बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी, साफ तौर पे कि वो नीतीश कुमार को भी मिस कर रहे हैं। हालांकि वो बिहार में भले नहीं है, लेकिन बिहार में उनका मन लगता है और बिहार की राजनीति में भी उनकी दखल अब भी उतनी ही मजबूत है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।